Yes, this is exercise 3.4 of class 8 mathematics NCERT exercise. Question number 1, state whether true or false state karne. Part A. All rectangles are square, sare ke sare rectangle square hote hain. Bhai, rectangle ki property kya hai? Opposite sides are parallel and each angle is 90 degree. Ye side parallel hoti hai, ye parallel hoti hai. Isme charo side parallel kahan ho gayi? To ye to kya ho gaya? False ho gaya statement. Hai ke nahi? All rhombuses are parallelogram, सारे के सारे rhombus parallelogram होते हैं भाई, सारे के सारे rhombus parallelogram की property को follow करते हैं, सारे के सारे rhombus parallelogram की property क्या है कि opposite side जो होती हैं वो equal होती हैं और parallel होती हैं, और rhombus में चारों side equal होती हैं और opposite side parallel होती हैं, तो ये तो बिल्कुल true हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल true हो गया. All squares are rhombus and also rectangles. Square जो होते हैं rhombus और triangle, rectangle की जो प्रॉपर्टी है उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं, ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, गलत बात है, सारे के सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, बिल्कुल है, तो सारे के सारे पैरेललोग्राम हो गए, नहीं हो गए? तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, नोट बता रहा है, तो फॉल्स हो गया. All kites are rhombus. Kite की प्रॉपर्टी क्या है कि दो adjacent साइड जो होती हैं, यानी कि एक साइड के अपोजिट वन, हाँ, अपोजिट एंगल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, और adjacent साइड जो होती है ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, तो पर ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारे सारे काइट रोम्बस है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, सारे सारे काइट रोम्बस नहीं होते हैं, क्योंकि एक काइट ये वाला नहीं है, रोम्बस का है नहीं है, ऑल रोम्बस आर काइट, ये बात बिल्कुल सही है कि सारे सारे रोम्बस काइट होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करा है. ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होती है, वन पेयर जो होता है, वन पेयर जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है ना, और इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, से ये बात बिल्कुल सही है कि सारे सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, परंतु सारे के सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों की चारों साइडें बिल्कुल इक्वल होती हैं, ये दोनों चारों की चारों आपस में इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, तुम जानते हो अच्छी तरह से क्या होता है, रोम्बस होता है. फोर राइट एंगल किसमें होते हैं, जिसमें भाई क्वाड्रिलेटरल है तो सीधी सी बात है चार ही एंगल होंगे, और चारों के चारों राइट एंगल किसमें होंगे, या तो रेक्ट एंगल होगा या फिर क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, रेक्ट एंगल एंड चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगी ही होगी भाई, चार साइड में जो पॉलीगॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ए पैरेललोग्राम, यस पैरेललोग्राम है, क्यों पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, रोम्बस है, ऑल साइड आर इक्वल, रोम्बस है तो भाई इक्वल, चार साइड इक्वल है तो एक रोम्बस भी है भाई, ये जो है जो स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का गॉड है, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल ये सारी सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल तो है ही अपने आप में, स्क्वायर काइट भी है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और प्रत्येक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यहाँ पर लिख देना, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना भाई. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, पैरेललोग्राम में भी ये आपस में इक्वल होंगे, रोम्बस है और स्क्वायर है। तो क्वाड्रिलेटर कौन कौन से हुए भाई हमारे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस में होते हैं भाई, एक तो रोम्बस में होते हैं है ना, और स्क्वायर में। चेक कर सकते हो आप, ये रोम्बस बनाया है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपस में 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे स्क्वायर में। इक्वल किस किस में होते हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ऑल वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आर रेज्ड, सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं, एंड डायगोनल्स, और डायगोनल जो है भाई, कोई सा भी, अगर कोई सा भी वर्टेक्स अंदर होता है, बाहर निकला हुआ नहीं होता, तो ये तो वो कॉनकेव हो गया। अगर बाहर निकले हुए हैं सारे के सारे वर्टेक्स, तो वो कैसे होता है, कॉनवेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक है। और हाँ, और जो कॉनवेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं, कॉनवेक्स क्वाड्रिलेटरल के, वो दोनों के दोनों डायगोनल अंदर होते हैं, एंड डायगोनल्स, एंड बोथ डायगोनल्स आर इन इट्स इनर साइड, अंदर की साइड होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, अगर कोन वैक्स होता, कोन के क्वाड्रिलेटरल होता ना, तो एक डायगोनल बाहर होता, दूसरा अंदर होता। चेक कर सकते हो, देखो इसका ये वाला डायगोनल तो अंदर है, ये वाला डायगोनल बाहर है ना। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is existence from AB, equidistance from AB and C. The dotted line are drawn to help you. अब ये भी अब शो करना है, पॉइंट O जो है ये AB और CC से इक्विडिस्टेंस पे क्यों है। डॉटेड लाइन खींची गई है भाई, इसके पैरेलल ये खींचा गया है, ये है और जितना ये है उतना ये है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, अगर डॉटेड लाइन खींची गई है तो ये क्या बना है, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ना, ये 90 डिग्री है और ये भी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हैं ये दोनों एंगल भाई, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है ना। अब जब ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का, तो यानी कि ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल, तो सीधी सी बात क्या है कि हाँ, और डायगोनल इसके इक्वल भी होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये पूरा का पूरा इक्वल है ना, तो ये भी आपस में इक्वल है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इन तीनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस। क्लियर है, एक्सरसाइज आपकी फाइनल हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है।